जब चली तो पता चला उनकी टांग में चोट लगी है, लंगड़ा के चल रही थी। यार टांग ठीक है उसकी, बेटा बीमार है उसका। आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं, बाहर रहते हैं और आपको यहाँ की खबर मिल गई। अगर मैं सिलेक्शन बोर्ड के सामने जा रही हूँ तो अपने पास की तरफ नहीं फ्यूचर की तरफ जा रही हूँ। ये घर मेरा है और इसकी जिम्मेदारियां भी मेरी है। क्या घर है ये और कौन सी जिम्मेदारियां आपकी? इसमें अस्पताल की पर्ची है। डॉक्टर को ये भी बताना होगा कि इलाज कोई फर्क पड़ा है या नहीं। अमीजान ने वारिस मियां को उनके कमरे में सुला दिया है। जी शुक्रिया। आप इनके लिए एक बड़ा सा तकिया ले आइए ताकि उसका सहारा लेकर ये पांव फैला सके। जब तक ये प्लास्टर सूख ना जाए आप पांव जमीन पर मत रखिए, उसके बाद आ जा सकते हैं। ये दवाइयां हैं जैसे कहा गया है ले लीजिए, बिल और बाकी रुपए भी इसी में। अगले हफ्ते 2 बजे जाना है, मैं आ जाऊंगा। इससे पहले अगर कोई बात हो तो फोन कर दीजिए, करा दीजिएगा। मैं चलूं। लंच तैयार है, बैठिए खाकर जाइएगा। शुक्रिया। अपनी राह देख लीजिए, मैं कहकर नहीं आया था। मैं चलूं। खुदा हाफिज़। वकील साहब चले गए क्या? हाँ। आपने क्यों नहीं रोका? आपको तो मालूम है ना, आपने जो कुछ भी कहा था मैं सब पका कर गई थी ना, सब गर्म ही तो कर रही थी ना। अब मैं इस पर रखने से पहले क्यों जाने दिया आपने उनको? कहा था, कहने लगी अम्मी इंतजार कर रही होंगी। तो क्या हुआ आपी? कह देते अम्मी को फोन कर दो, हमने तो आपका खाना बना दिया यहाँ पर। कहना चाह पर नहीं कह सकती। तुमने देखा नहीं कैसे सब कुछ कर रहे थे, पर ऐसे जैसे मेरे लिए नहीं किसी और के लिए कर रहे हैं। अब मुझसे ये तो नहीं होगा कि उनको रोकूं और कहूं कि नीचे पर खाक डालो, तुम अलगाव करो। जो तकदीर में लिखा है होगा। ये क्या आप फिर ले बैठे शेयर मार्केट के इन कागजों को? आप दूध पी लीजिए और लाइए इन कागजों को, मैं आग लगा दूंगी। अरे आग तो ये पहले ही लगा चुके हैं, पड़ा रहने दे इनको मेरे पास। कहते हैं ना कि 12 बरस बाद भी घूरे के भाग जागते हैं। वो जो हर्षद मेहता ने मार्केट डुबोया था, क्या पता उठ जाए। ओफो, आप इन सब बातों को भूल क्यों नहीं जाते? देखिए हमारे भाग्य इतने अच्छे नहीं है, वो तो शुक्र है भगवान का कि हमारा बेटा बैंक में ऑफिसर बन गया। एक काम करो, तुम इन्हें अंदर लेके जाओ। आइए आइए, आ जाइए, ऊपर आ जाइए। जयराम जी की, कैसे हैं? अरे आप तो आज की सूली पे लटका के गए, तो आप लटके हैं। कमाल है,
आपके कहने से हमने तो कह दिया कि हमारा लड़का आपका हुआ और आपकी लड़की जैसी भी है हमारी हुई, पर वो तो ऐसे गुम हुए और उन्होंने कचहरी में कर्ज की रकम भी नहीं भरी। ये भी नहीं है। हाँ ये रहा, 3 दिन से लिए फिर रहा हूँ, इसलिए याद ही नहीं रहा कि थैले में है या जेब में। ये लो कचहरी की रसीद। सत्यजीत जी ने तुम्हारे बिजली के रुपए कचहरी में जमा करवा दिए हैं, अब नीलामी नहीं होगी। चैन की सांस लो। आपने मेरी आबरू बचा ली, आप संकट मोचन हैं, मैं आपका एहसान जिंदगी भर मानूंगा। मत मानना मेरा एहसान, लेकिन लड़के को मना लो कि लड़की माता का मान ही सही, लेकिन रिश्ते के लिए ना ना करे। निकले चुपचाप गर्दन झुकाकर सगाई का टीका लगवा ले और जाकर उनकी बेटी की मांग भर दे, बस। वो आपकी दलाली की रकम तैयार है, मैं लेके आता हूँ। हरिओम हरिओम। ये लीजिए आपके 20,000 रुपए। दूध पीजिए। 5 और। बस एक ही छींक आई है और एक छींक बहुत बुरी हो गई। अपने लड़के को समझा देना रिश्ते के लिए ना ना करे, वरना सौदा टूट जाएगा। आप भी एक बार उनसे कह दीजिए। और ये मैं वापिस ना करूं, दलाली वापिस ना होवे। आप बोलो। आप भी एक बात उनसे कह दीजिएगा कि तारा उठने तक रसम की बात ना करें, मुझे भी नरेंद्र को समझाने में वक्त लगेगा। अब आपने समय मांगा है तो जरा मैं बहन जी से भी बात कर लूं। ठीक है। बहन जी, बहन जी जरा बाहर आइए, बाहर आइए। क्या बात है? देखिए बहन जी, मैंने सौदा करा दिया है और वो रिश्ते के लिए हाथ ही करा। सत्यजीत जी ने डिग्री के रुपए कचहरी में जमा करा दिए हैं। हाँ, लेकिन अगर नरेंद्र ने ना कर दी तो अगले दिन यह मकान उनके नाम हो जाएगा। आपको भी तो मालूम होना चाहिए ना, ऐसा लिख के आए हो? क्योंकि मर्द लोग जो है औरतों से ऐसी बातें बताते नहीं है, वे बाद में पेट पीट पीट कर रह जाती है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, मैं चलूं। जय राम। कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं होगी ना? आपके बेटे की शादी हो जाएगी तो आपकी बेटियों की भी शादी हो जाएगी, वरना उनकी बेटी को तो कोई भी उठा कर ले जाएगा, लेकिन आपकी बेटियां घर पे बैठी रह जाएंगी। क्योंकि बिना ठंडल गोपाल के आजकल कोई किसी की बेटी को नहीं उठाता। जयराम जी की। मैं चला। हरिओम। हेलो। हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ, देखिए मैं आपकी परेशानी अच्छी तरह समझता हूँ। हाँ देखिए, पेशेंट को इतनी जल्दी मेरे पास ला के कुछ फायदा नहीं है। हाँ उसे शारीरिक नहीं एक मानसिक बीमारी है और उसके लिए बहुत सब्र की ज़रूरत होती है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आपको और आपकी मिसेस को बहुत सब्र की ज़रूरत है, जितना आप सब्र से काम लेंगे उतना अच्छा। हाँ, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि आपकी मिसेस ये कह रही हैं कि आप जानबूझ कर उसे मेरे पास नहीं लाना चाहते और अपने पैसे बचाना चाहते हैं, हाँ तो ठीक है, लेके आइए, कल लेके आइए। हाँ 1 मिनट, कल लेके आइए शाम को 4 बजे। ठीक है।
ओके ओके बाय थैंक यू मे वी कमेंट डॉक्टर साहब प्लीज कम आइए 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 मैं जानता था आप लोग जरूर आएंगे प्लीज बैठिए थैंक यू डॉक्टर कहिए डॉक्टर साहब आजकल सभा पर एक नया भूत सवार हो गया है वो फौज में जाना चाहती है इनकी तो रातों की नींद उड़ गई डॉक्टर साहब वैसे सभा ने आर्म्ड फोर्सेस के बारे में सोचा भी नहीं था आपसे मिलने के पहले डॉक्टर साहब वो बीमार है वो नींद में सोते सोते चल पड़ती है वो आर्म फोर्सेस कैसे ज्वाइन करेगी वो हवाई जहाज कैसे उड़ाएगी वो अकेले कैसे रहेगी डॉक्टर साहब सिलेक्शन बोर्ड के सामने अव्वल तो पास होना बहुत मुश्किल है दूसरे ट्रेनिंग के दौरान बड़े बड़ों के हौसले पस्त हो जाते हैं और वो ट्रेनिंग छोड़कर चले जाते हैं अगर सभा के साथ इसमें से कुछ भी हुआ तो मुझे डर है कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा ठीक कहते हैं तो फिर मत भेजिए उसे लेकिन आपने कहा था देखिए मैंने तो उसे एक सजेशन दिया था यह जानने के लिए कि वो अपने से बाहर किसी अल्टरनेटिव के बारे में सोचती है वे नहीं हमेशा सिर्फ खालिद के बारे में सोचती रहती आपका कहने का मतलब है कि एक देखिए डॉक्टर के तौर पे मुझे जो कहना था मैंने कह दिया आप लोग भी कहके देखिए देखिए क्या कहती है लेकिन अगर सभा आर्म फोर्सेस ज्वाइन भी कर लेगी उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं ना मिसेस सबजवारी आपकी बेटी मेरे पास आई थी वो कह रही थी कि उसे नींद में चलने की आदत है जलती हुई मोमबत्ती लेके उसने कहीं मोमबत्ती गिरा दी फिर बाद में सुबह भी जाके सो गई वो खुद भी जलने वाली थी आपका घर भी जलने वाला मेरे कहने का मतलब यह है कि खतरा तो उसे घर में भी है और खतरा एयरफोर्स में भी है देखिए मुझे जो कहना था मैंने कह दिया आप जाके वो एनसीसी कमांडर से बात कीजिए देखिए वो क्या कहते हैं आपके आता है जो इनसिक्योर होता है असुरक्षित होता है जैसे कि तुम और इसीलिए तो तुम कराटे सीखने आई हो राइट और रॉन्ग बिल्कुल नहीं आप कराटे इसलिए सीखने आए हैं क्योंकि आप मेरा साथ देना चाहते हैं लेकिन मैं कराटे इसलिए सीख रही हूं क्योंकि मैं अपने आप का साथ देना चाहती हूं इसीलिए अपनी सारी एनर्जीज कंसंट्रेट करो ताकि वार करने वाले को पछाड़ सको कंसंट्रेट देखो कंसंट्रेशन देना तुम मुझे भाषण मत दिया करो अरे तुमसे अच्छी पोजीशन लेके सर्विस में आया हूं वो तो तुम्हें देखकर मैं भटक जाता हूं क्यों भटक जाते हो हम साथ ही तो हैं सर्विस में अमिताभ फिर कराटे का बात फिर से की ना तुम्हें सर्विस की बात बड़ा बड़ा लाइन्स हमारी जिंदगी का क्या वो सिर्फ मेरी है मेरे हाथों से लिखी गई किताब है और उस पर छपा हुआ है ऑल राइट्स रिजर्व्ड सर्वाधिकार सुरक्षित समझे सब्जवारी आर्मी हो या फोर्स उसमें इंसान का सिलेक्शन तभी होता है जब वो पूरी तरह से मेडिकली फिट होता है और उसके बाद की ट्रेनिंग में भी रेगुलरली मेडिकल टेस्ट होते हैं और जब वो सारे प्रिस्क्राइब टेस्ट पास कर लेता है तब उसे कहीं जाकर कमीशन मिलता है और अगर सभा की ये स्लीप वॉकिंग कंटिन्यू रही तो मुझे नहीं लगता कि वो सेलेक्ट होगी
वैसे क्या आर्मी में जाने से नींद में चलना खत्म हो जाएगा? मिसेस सब्जवारी, आपको किसने बता दिया कि आर्म फोर्सेस में जाने से किसी बीमारी का इलाज हो जाता है? देखिए, सभा मेरी बेस्ट कैडेट है, इसीलिए मैंने उसे सिलेक्शन बोर्ड के सामने जाने के लिए मोटिवेट किया, उसे अपना जूनियर अंडर ऑफिसर बनाया। देखिए, इंसान के सामने अगर जिंदगी में कोई ऊंचा गोल हो और उसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिले तो घर में बैठे रहने से जो कॉम्प्लेक्सेस डेवलप हो जाते हैं वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। और उसे साइकेट्रिस्ट ने अगर रेकमेंड किया है तो जाने दीजिए, अगर फिट होगी तो ले ली जाएगी वरना रिजेक्ट कर दी जाएगी। देखिए, बी इन आर्म फोर्सेस का मतलब है द बेस्ट इन यू विल कम आउट एंड वर्स्ट इन रिलेशंस विल बी ओवरकम। यस कॉमन आपको जाना है, उसके लिए गाड़ी तैयार है। ठीक है, चलो मैं आता हूँ। मुझे जरा जाना है इंस्पेक्शन। थैंक यू वेरी मच सर। वो खदशे दूर करने के लिए जो इनके दिल में ज्यादा और मेरे दिल में कुछ कम थे, असल में बात ये है कि हमारी फैमिली में से आज तक कोई आम फोर्सेस में गया नहीं, ऐसा पहली बार हुआ। देखिए सब्जवारी साहब, हर अच्छी और नई चीज जिंदगी में कभी ना कभी पहली बार ही होती है, इसे डरना नहीं चाहिए, मौत को हर वक्त सामने नहीं रखना चाहिए। नहीं तो कोई साइकिल पे ना चढ़ा होता, किसी ने किसी मशीन को टेस्ट ना किया होता, कोई हवाई जहाज पे ना चढ़ा होता। खतरे मोल लेने से बचना तो चाहिए पर उनसे इतना डरना भी नहीं चाहिए। आपकी सलाह का बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम मिस सब्जवारी। देखिए, आर्म फोर्सेस में जाने से मुल्क का भी भला होता है और इंसान का अपना भी भला होता है। जरा इस नजरिए से इस मसले पर सोचिए आप लोग। सॉरी शांता, देर हो गई, रास्ते में एक दो काम याद आ गए थे। बस सारी दुनिया का काम याद रहता है, एक मेरा ही काम याद नहीं आता। क्या हुआ भाई, ऐसा कौन सा काम है तुम्हारा जो मैंने नहीं किया? मेरा टिकट, मुंबई जाने की सीट रिजर्व कराई। तुम्हारी मुंबई जाने की सीट रिजर्व कराई कि नहीं मैंने? हाँ भाई, कराई तो है, वही तो काम था। शांता, मैं सोचता तुमने अकेले इतना लंबा सफर कभी किया नहीं, मैं साथ चलता हूँ तुम्हें वहां तक छोड़ आऊंगा। जी नहीं, आपके जाने की अब कोई जरूरत नहीं। जो लोग मिले